आज का दिन बहुत ही लंबा था वो लंबा इसलिए था क्योंकि मैं कल से सोया नहीं हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि सुबह एक क्रिकेट का मैच था और मैं क्रिकेट का इतना बड़ा दीवाना हूँ इतना बड़ा दीवाना हूँ कि मैं ना कोई मैच छोड़ता हूँ और ना ही जो है ना वो मेरे अंदर कभी भी ना की कैफियत पैदा होती है जब कोई मुझसे बोलता है कि यार क्रिकेट खेलोग मैं बोलता हूँ ऑफकोर्स हाँ खेलेंगे ये कोई पूछने वाली बात है तो इसलिए हमने अपनी नींद हराम की कि हम सुबह हार्ड बॉल का मैच खेलने जाएँ अब टेप बॉल में तो हम जैसा तैसा थोड़ा बहुत कर लेते हैं लेकिन हार्ड बॉल हमें बिल्कुल भी खेलनी नहीं आती बल्कि मैं तो कहूँगा मुझे क्रिकेट ही खेलनी नहीं आती मुझे बहुत शौक है लेकिन आज मैं इस बात को तस्लीम करना चाहता हूँ कि मुझे क्रिकेट खेलनी नहीं आती एक ज़माने में आती थी और वो ज़माना भी अब कदीम हो चुका है तो हमें क्रिकेट खेलनी आती ही नहीं है क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करता मैं प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करता लेकिन मुझे शौक़ बहुत ज़्यादा है और बैटिंग ऑब्वियसली बैटिंग का शौक है तो हम चले गए हार्ड बॉल खेलने फिफ्थ डाउन बैटिंग हमारी आई छः रन छः बॉों पर हमने दो रन बनाए और इतना बुरा दिन गुजरा मतलब मतलब जब मैं घर आया उन्होंने बुलाया मैंने क्या किया है कि मैंने क्या किया मैंने क्या किया और इतनी पेलू बॉल पे मैं आउट हुआ हूँ मैंने कहा ये मैंने क्या किया है आई एम लिटरली द वर्स्ट क्रिकेटर आउट देयर इस वक्त जो अपने आप को मानता है कि वो क्रिक, क्रिकेटर है हालांकि वो किसी तरह का क्रिकेटर है नहीं लेकिन मुझे लगता है ये गलती मेरे अब्बा की भी है क्योंकि मेरा अब्बा ना जब बातें करते ना अपने क्रिकेट के दौड़ की तो वो बताते मेरी बॉल इतनी तत्ती इतनी घूमती थी इतनी इतनी घूमती थी वो स्पिनर थे तो यार अब्बा जान आप जरा एक बात बताएं अगर आपके अंदर ये हुनर था तो ऐसा नहीं है आपने सोचा कभी कि आप अपने किसी बच्चे में हुनर डाल दें कि मतलब जब वो छोटा हो तो उसको आप सिखा दें एक आपका दूसरे नंबर पे जो बेटा है मुस्लिम अब्बास आप उसको बोलें कि बेटा तुम तो स्पिनर बनो क्योंकि बड़ा वाला तो फास्ट बॉलर है और वो तो कर भी रहा है मेरे कमें बॉलिंग लेकिन छोटे वाले को क्या है तो घर की मुल्की दार पर उसने बोला जब लटा जब सीख लेगा कुछ भी हमें घंटा कुछ नहीं आता था हमने तो ग्यारह साल में क्रिकेट खेलना शुरू किया अगर हमें चार साल में सिखा देते तो आज हम जलील लें और हिमाचल में तो ये हमारे अब्बा की अधराय लेकिन हमने हम जब अब्बा को घर आके बताया कि अब क्योंकि हम ज़ाहिर हम तफरी में हंसी मजाक में बात करते रहते बहन भाई अम्मा अब्बा तो हमने बताया अब्बा यार ये ये हो गया मैं तो अब अकेडमी जाके सीखूंगा मैं आपको ही बोल रहा था कि आपकी गलती है यार ये आपने हमें सिखाया नहीं बचपन में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम लोगों को कराया नहीं भाई को अकेडमी करवाया था एक दिन पहले भाग एक दिन बाद भाग के आ गया कि बहुत दूर मैंने ही नहीं खेलना और मैं मुझे नहीं कराया हालांकि मुझे भी शौक था तो खैर बात यह है कि मैंने अब्बा को बताया तो अब्बा लोट पोट होकर हंसने लगे लेकिन आज के दिन की हाईलाइट सिर्फ इतनी है कि मैं ऑनेस्टली बता सकता हूँ पच्चीस साल अपनी ज़िंदगी मैंने अपने अब्बू को ठट्टे लगाते हुए इस तरह का भी हंसते हुए नहीं देखा मैंने लिटरली नहीं देखा जब मैंने उनको स्टोरी नरेट की ना तो इस कदर हंस रहे थे माशाल्लाह से मुझे प्यार भी बहुत आ रहा था और बहुत प्यारे लग रहे थे हंसते हुए कि मतलब मैं बहुत मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही थी हालांकि वो मेरी जिल्लत पे असर रहे थे लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मैंने अपने को इतने अरसे बाद इतना हंसते में देखा तो उसकी थोड़ी सी झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ देखिए ज्यादा नहीं थे आप और वायर लेकिन भी भी तो तभी तो, तो जाऊंगा आता नहीं है कुछ क्या अगर नहीं दो ये, ये, ये इंसान जितना इतना हस रहा है के ला, के ला, के ला। मुझे सिखाओं हंस ये इंसान की वजह से ना मेरा क्रिकेट करियर तबाह हुआ है देखिए सब इनको आज तू देख ले मुस्लिम तू इतना जलील हुआ है और अब तू अकेडमी जाएगा अकेडमी जाएगा और तू इन सबको दिखाएगा तो क्या चीज़ है अरे क्या कर रहे हैं यार कह रहा है सुनो बैठे अभी क्या कह रहा है वो लोग मुझे बैटिंग देते नहीं है बॉलिंग मुझे आती नहीं है और फील्डिंग में ये बोला फाइनल है अरे तू लोग क्या कुछ नहीं बोला क्या कुछ नहीं बोला तो देखा आपने अबू यार आपको नहीं पता होता कि वो खैर आपको पता इस उम्र में तो आपको अंदाजा हो, हो ही जाता है और हो जाना चाहिए भी कि कितने बैटल से वो गुजरते हैं और कितनी चीजें उनके दिमाग में चल रही होती हैं कि वो हंस रहे होते हैं मुस्कुरा रहे होते हैं बट वो खिलखिला के कभी हंस नहीं पाते और आज इतनी सी इतने से टॉपिक को लेकर जब वो इतना हंसे ना तो मुझे खुशी भी हुई और मुझे बस ये वो कि यार दुख भी हुआ क्योंकि मुझे पता है कि ये मोमेंट अब कोई बहुत ही अरसे बाद आएगा क्योंकि मैं जब बोल रहा हूँ कि मैंने अपनी पच्चीस साल की जिंदगी में उनको पहली बार इतना ज्यादा हंसते हुए देखा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आखिरी बार इतना खुल के कभी हक्का भासे होंगे शायद मेरे सामने तो नहीं एटलीस्ट तो हंसा करें अब्बा अब तो इनशाला अब आपके आप बेटे खड़े हो जाएंगे इनशाला आपके लिए तो अब आप खिलखिला के हंसे और मेरी ये दुआ है कि मैं इस वीडियो को आज सेव रखूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मैं अकेडमी जाके ना अब अच्छा क्रिकेटर बन के भी दिखाऊंगा ये मेरा चैलेंज है कि जो आपने हंसे ना मुझ पर इतना आज और पूरे घर वालों को आपने शामिल किया मेरी जिल्लत में मैं अच्छा क्रिकेटर बन के दिखाऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आप इसी तरह हंसते रहें यू अबा